वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। प्यारी साध संगत जी, पुराने समय की गल है। एक इलां दा झुंड जंगल चो उड्या ते उड़दा उड़दा एक टापू ते जा पहुंचिया। वह टापू समुंदर दे विच विचाले सी। विच विचाले होने करके बहुत सारिया मछियां डड्डू समुंदरी जीव ते कीड़े मकौड़े सन उस टापू ते। सारा कुछ इलां दे खाण पीण लायक सी। इलां दे झुंड ने इत्थे ही रहण बारे सोचिया। सब तो वधिया गल इस टापू ते कोई जंगली जीव नहीं सी जिन्हां तों इलां नूं खतरा हुंदा। इह सारा माहौल वेख के इलां नूं बहुत खुशी होई। उन्हां नूं लगा कि बहुत आराम दा जीवन है। एवें दा जीवन असी पहलां कदे नहीं देखिया ते हुण असी इत्थे ही रहांगे। इस झुंड दे विच बहुत सारियां इलां छोटी उम्र दियां अते कुछ बजुर्ग इलां सी। सोचन लगे हुण जीवन भर इस टापू ते ही रहना है क्योंकि इस तों वधिया थां किते हो नहीं सकती। इन्हां सारियां दे विच इक बजुर्ग इल जदों जवान इलां दा रंग ढंग देखदा तां उह चिंता विच पै जांदा। उह सोचदा कि जे इह इसे ढंग नाल आरामदायक जीवन विच रहण लग पए तां इस दा ते बहुत भैड़ा असर पएगा। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उसने इलां दी एक सभा बुलाई अते अपनी चिंता प्रकट कीती ते दस्या कि मैनू किस चीज़ दा डर है ते नाल ही मैनू लगदा है कि हुण सानू वापस उस जंगल विच जाना चाहीदा है जिथों आपां आए हाँ क्योंकि इत्थे आरामदायक जीवन बतीत करदियां आपां नूं किसे मुसीबत नाल लड़ना नहीं आउणा। आपां भुल जावांगे कि मुसीबत नाल किवें लड़ीदा है। पर जवान इलां नूं इह गल चंगी नहीं लगी ते अनसुणी कर दित्ती ते जान तों मना कर दित्ता। उसने बड़ा समझाया पर उन्हां ने कोई गल ना सुनी। बहुत कोशिश करन तों बाद उह बुढ़ा इल कल्ला ही उड के जंगल विच चला गया। कई महीने लंघ जाण तों बाद उह सोचदा है कि चलो उन्हां नूं देख के आउणा कि उन्हां दा की हाल है। जदों उड़दा उड़दा टापू ते पहुंचिया तां देखदा है कि इत्थों दा नज़ारा ही कुछ होर सी। देख के हैरान हो गया। बहुत सारे इलां दे खंभ टुटे हुए सी। जख्मी हुए इल देखे। वह बुढ़ा इला हैरान हो के बैठ गया ते एक जख्मी इल तो पुछया कि यह सब किवें होया। जख्मी इल ने दस्या कि तुहाडे जाण तों बाद असी बहुत मजे नाल रहे। बड़े दिन मजे की जिंदगी बतीत की। पर एक दिन एक समुंदरी जहाज इत्थे आया ते उस जहाज विच दे कुछ चीते इत्थे आए। उन्हां चीतियां ने कुछ दिन सानू कुछ नहीं कहा पर जिवें जिवें उन्होंने सानू देखिया कि असी उड़ना भी भुल चुके हाँ। साडे हथ पैर कमजोर हो चुके ने। साडियां नौंदरां हुण ताकतवर नहीं रहियां। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ कि जे असी आरामदायक जीवन जीना चाहते हाँ फिर तुसी मुसीबतां दा सामना किवें करोगे। जिंदगी दे विच नवे नवे चैलेंज चुनौतियां लैंदे रहना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए तां जो असी हर मुसीबत दे लड़न लई तैयार रहिए। जदों तक आपां चुनौतियां दा सामना नहीं करते उदों तक आपां अगे नहीं वधदे। जिवें आपां घरों बाहर निकलांगे नवीं नवीं चीज़ां सीखांगे मुसीबतां लवांगे ठोकरां खावांगे तां बहुत कुछ सीखांगे।
फिर साडा राह रोकण वाले घट अते सिखाउण वाले वध होणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।